हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन, हैरी भाई इतने दिनों से कहाँ थे, कोई वीडियो नहीं, कोई अपडेट नहीं, और अब मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, कोई मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मैं हूँ आपका दोस्त हैरी। पिछले कुछ दिनों में आपसे जो कनेक्टिविटी टूटी, लगभग एक महीना हो गया, चैनल पे कोई वीडियो नहीं थी, कोई अपडेट्स आपको नहीं मिल रहे थे। उसका रीज़न था कि फैमिली में कुछ पर्सनल मेडिकल दिक्कत आई थी, जिसको हैंडल करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और वो पीरियड अभी भी चल रहा है। लेकिन मुझे लगा कि बीच में एक बार आपको अपडेट कर दूं, साथ में मार्केट का क्या माहौल चल रहा है, इस पर मेरा क्या व्यू है, वो सब भी एक बार आपको अपडेट हो जाए तो आपके लिए भी बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं भी आपसे दोबारा से कनेक्ट कर पाऊँगा धीरे धीरे। थोड़ा टाइम अभी भी लगेगा वीडियो को कंटिन्यूटी आने में, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि मैं अपना मैसेज आपको कन्वे करूँ। तो मैंने आपको बता दिया क्यों लगातार अपडेट्स नहीं आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज फैमिली को कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते। लेकिन इन बिटवीन मैं मार्केट को धीरे धीरे ट्रैक करता जा रहा था। कुछ कॉन कॉल्स की समरी अभी भी मैंने कवर नहीं करी, वो वेटिंग में है, उनको भी मैं आने वाले दिनों में कवर कर दूंगा। अब बात आती है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट की जो सुप्रीम पावर है दोस्तों, मुझे अभी के टाइम पे पता चली, जब पिछले एक महीने से मैं लिटरली कुछ नहीं कर रहा था अपने जो डेली वीडियो का काम है या कुछ भी ऐसा जहाँ से मेरी अर्निंग आ रही है, कुछ भी मैं इनपुट अपना नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मेरे बिजनेसेस जिनको मैं होल्ड करके बैठा हूँ, वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा था। इतने सारे इम्प्लॉय जो उन कंपनियों में काम करते हैं, अल्टीमेटली वो मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा बिजनेस भी चल रहा है साइड में, जो मेरे फादर रन करते थे, तो फादर को जो मेडिकल दिक्कत हुई उसके चलते मुझे उस बिज़नेस को भी हैंडल करना पड़ा। और उस बिज़नेस की हेडेक को देखते हुए मुझे लगा, यार ये मेरा जो मार्केट वाला काम है, जो बिजनेसेस मैं ऑन करता हूँ, वो ज़्यादा इजी काम है। और भले ही मैं कुछ भी इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ, मैं रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ फुल्ली, या मैं कॉन कॉल्स को नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो काम हो रहा है ना, वो कंपनियाँ तो परफॉर्म कर रही है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए, कुछ के मीडियोकर आए, और कुछ के पुअर रिजल्ट्स भी आए। साथ में कुछ स्टॉक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, और कुछ स्टॉक काफ़ी एवरेज अभी रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन मेरे बिना देखे भी वो कंपनियां परफॉर्म कर रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीडम। तो मेरा जो मोटो था जब मैंने जॉब छोड़ी थी लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में, आपको पता होगा, तो यही मेरा पर्पस था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए, फ्रीडम ऑफ टाइम। तो वो ही मैंने मार्केट से गेन किया कि मुझे बिल्कुल भी बंधे नहीं रहना। अगर मैं लगातार काम कर रहा हूँ तभी मेरे को कोई रिटर्न मिले, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरे को रिटर्न मिले। तो मार्केट इज़ माय कंपेनियन फॉर गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स। और बैड टाइम्स जो पिछले एक महीने का चल रहा था, उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में जो मैं चाहता था मार्केट मेरे लिए वैसा कर रहा है। तो मार्केट में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 5-10% के इरादे से मत आओ। और विजय केडिया जी तो बोलते हैं कि मार्केट एक समुद्र है, जितना अंदर जाओगे रिस्क होगा लेकिन पैसा भी बनेगा। अगर याद हो आपको, पिछले 1-2 साल में जब आप क्वेरी करते थे, लाइव स्ट्रीम्स में क्वेश्चन पूछते थे कि हैरी मैं 6 महीने के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं 1 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, तो आपसे मैंने बार बार कहा था कि 2-3 साल तो भूल जाओ, कोई रिटर्न ज़्यादा बनने वाला नहीं है, कोशिश करो कि धीरे धीरे इन्वेस्ट आप करते रहो, और 2 साल से ज़्यादा का ही आपका नज़रिया होना चाहिए। खासतौर पर जो टेक स्टॉक्स थे, उनका हाल आपने देखा कितनी बुरी तरह उनकी पिटाई हो रही है। और खाली टेक स्टॉक की क्यों बात कर रहे हो आप, न्यू एज कंपनियों की क्यों बात कर रहे हो? आपको देखो, हेल्थ केयर ने आपको कोई रिटर्न दिया? नो। क्या फार्मा ने कोई रिटर्न दिया? नो। प्राइवेट सेक्टर बैंक कोई रिटर्न नहीं है। PSU जो बैंक है उनका तो एक्सेप्शन मान लो आप, अदरवाइज और कोई सेक्टर, आप कोई भी सेक्टर उठाओ आप, पेंट इंडस्ट्री कोई रिटर्न नहीं बना 2021 से, कोई रिटर्न पेंट इंडस्ट्री ने नहीं बना के दिया। पाइप इंडस्ट्री कोई रिटर्न पाइप इंडस्ट्री ने नहीं बना के दिया। FMCG की बात करोगे, ITC एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा आप मुझे बताओ कौन सी FMCG कंपनी ने आपको बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। इंश्योरेंस 2 साल से और नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AMC जो स्टॉक्स लिस्टेड है, कोई रिटर्न उनका नहीं आ रहा। केमिकल स्टॉक्स मिक्स आप कह सकते हो, पिछले 1-1.5 साल में मिक्स रिटर्न मिले, कुछ स्टॉक अच्छे चले कुछ नहीं। और जो थीम की हम बात करते थे, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में आप अच्छे खासे स्टॉक्स आप जानते हैं जो दो साल पहले काफ़ी पॉपुलर थे और वहाँ से काफ़ी करेक्शन दिखाई, कोई रिकवरी अभी तक उनमें नहीं आई। या आप बात करोगे जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कंपनियों की बात हम करते थे कि यहाँ बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं बना। और आप में से मैक्सिमम लोग काफ़ी निराश है पिछले जो 1-2 साल में मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और यही कारण है कि अभी लेटेस्ट डेटा निकल के आया था कि
फरवरी 2021 में जितना कैश वॉल्यूम होता था, कैश मार्केट में जितना लोग बाइंग करते थे, लगभग 58,000 करोड़ का हाई बनाया था फरवरी 2021 में, और वो नंबर अब गिर के लगभग 22,000 करोड़ तक आ गया है। यानी कि आप देख सकते हो वन थर्ड हो गया जो वॉल्यूम होता है कैश मार्केट में, जो लोग डिलीवरी बेस्ड बाइंग करते थे। और हाल फिलहाल में अभी लेटेस्ट डेटा भी म्यूचुअल फंड का निकल के आया है कि म्यूचुअल फंड्स भी अभी बाय नहीं कर रहे हैं, अभी उनके पास लगभग लास्ट 2 ईयर्स में हाईएस्ट कैश 5% से भी ऊपर कैश वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो FIIs धीरे धीरे आप देखते हो कभी थोड़ा बहुत बाइंग कर लेते हैं, अदरवाइज सेलिंग ही कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ज़्यादा बहुत एग्रेसिव बाय नहीं कर रहे, अभी भी काफ़ी कैश बचा के बैठे हुए हैं, और इन बिटवीन कोई भी सेक्टर बढ़िया रिटर्न आपको नहीं दे रहा है। तो ये पेशेंस जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, इसमें अभी टाइम लगेगा, और 1-1.5 साल वाले लोगों के तो पेशेंस इतने टेस्ट हो रहे हैं कि उनको तो लगता है यार मैंने गलती कर दी मार्केट में आके। आप अगर रिजल्ट्स देखोगे, अभी जो Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, तो कंपनियों ने, काफ़ी कंपनियां थी जिन्होंने बहुत बम्पर रिजल्ट्स दिए और उनके स्टॉक प्राइस फिर भी मूवमेंट कुछ आई नहीं है। तो धीरे धीरे आप अर्निंग जब मैच करेगी कंपनी के स्टॉक प्राइस से, तो आपको अर्निंग, आपको रिटर्न बनते दिखेंगे। कुछ कंपनियां तो ऐसे जिनके रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद भी स्टॉक की पिटाई हुई है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट में, अगर आप वही 5-10% का खेल खेलने आए हो, तो अब तक तो आपने हिम्मत हार गए होगे, और जो ट्रेडिंग करने आओगे उनको भी पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग करके कितना पैसा उनका बना है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा लो हो रहा है, और ख़ास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टमेंट में, दोनों तरीके से लो होता दिख रहा है। और काफ़ी डीमैट्स की संख्या जो काफ़ी एकदम स्पीड में बढ़े थे, अब उनमें एक्टिविटी वॉल्यूम बहुत कम होता दिख रहा है। तो ये सारे रीज़न है जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रिटेल का कैसा मूड चल रहा है मार्केट को लेके। और वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पैसा बनेगा। और कुछ कुछ स्टॉक में अभी भी अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी कुछ भी ना, तो पेरेंटल साइड पे कोई दिक्कत है, ना फंडामेंटल में कोई इशू है, रिजल्ट भी न्यूट्रल आ रहे हैं, थोड़े अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा। अगर निराश होकर निकल जाओगे, तो जो होता है ना कि लास्ट स्टेज में, मैराथन के लास्ट में आप पहुंच गए और अब आप गिव अप करोगे, तो कोई रीज़न नहीं होगा यहाँ से गिव अप करने का। तो होल्ड ऑन योर नर्व्स, अच्छे स्टॉक अगर रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में तो होल्ड करके रखो। मैं तो इस पीरियड को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ जहाँ पर कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं बन रहा, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कुछ मेरे स्टॉक अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव दे रहे हैं। मुझे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की अपनी जर्नी काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, और पिछले 1 महीने से भले ही मार्केट से, आप लोगों से मेरी कनेक्टिविटी नहीं रही हो, लेकिन ये टाइम भी आता है, तो मार्केट आपका सही गुड टाइम्स का भी साथी है और बैड टाइम्स का भी। और तो आप एक बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर बनेंगे, तो मार्केट में अगर बिलीव करेंगे, तो वेल्थ भी आपकी क्रिएट होगी, और पेशेंस के साथ बने रहे मार्केट में। थैंक यू सो मच।